सारे सो रहे हैं अभी। ये तो फ्लैश लाइट ऑन हो रही है इसलिए वाइट वाइट आ रहा है, अदरवाइज़ तो फुल अंधेरा है। ये अपना घर है, यहाँ पे सुरभि अभी तैयार हो रही है, सब सो रहे हैं भाई, गाड़ी अपनी तैयार है, सामान सारा सेट है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह गाड़ी में कहाँ खड़े हुए हैं, वैसे सुबह ही हो रही है, शाम नहीं हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 6, मैं और सुरभि विद 2 मोर फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं टापो। और टॉप फ्रेंड्स कपल्स फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, तो हम सारे जा रहे हैं टापो। और टापो से पहले जाएंगे रोटोरुआ, तो अभी निकल रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी निकल रहे हैं हम रोटोरुआ के लिए। वहाँ पे छोटी मोटी हम लोग कुछ एक्टिविटी करेंगे और उसके वहाँ बाद जाएंगे टापो। टापो में हमने कर रखा है एयरबीएनबी, जो मैं आपको दिखाऊंगा, कॉस्ट भी शेयर करूंगा। और आई होप आपको ये ट्रिप अच्छी लगेगी, समझ आएगी, पसंद आएगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑकलैंड की सड़कें सुबह के 6 बजे। वैसे मैं भी पहली बार उठा हूँ 6 बजे यहाँ पे कहीं जाने के लिए, वैसे मैं उठता नहीं हूँ जनरली, बट आई होप ये सफ़र हमारा अच्छा रहता है। जय माता दी, चलो। ब्रेकफास्ट हो रहा है, एवोकाडो ऑमलेट टोस्ट है, सैंडविच। ये वाला जो कट है ना, ये मोबिल वाला जो पेट्रोल पंप आता है, ये ट्रक हो रहा है ना जहाँ पे, यहाँ से लेफ्ट लेके आता है हॉबिटन। बहुत ही प्यारा रूट है यार ये, पर आज हम जा रहे हैं आगे। लास्ट टाइम भी हम यही कह रहे थे कि सीधा जाएंगे तो रोटोरू आएगा, फाइनली वो घड़ी आ गई है, अब हम जा रहे हैं। कोई छोटा सा हब आया है यहाँ पे, ओह तो क्यूट है ये, क्या बनाया है देखो मनीष, पता नहीं क्या पहुंच रहा है भाई, बहुत क्यूट लग रहा है। तो ये है मिडवे, ये बेसिकली इनका, ये बेसिकली मूर्थल टाइप है, कभी मॉडर्न मूर्थल है। यहाँ बड़ी देर बाद आया है ये, वेरी मॉडर्न पराठे नहीं मिलेंगे, बाकी सब मिल जाएगा। कितना बढ़िया बनाया हुआ है, हाँ बहुत प्यारा प्यारा, क्रिएटिविटी करी हुई अच्छी खासी। पहुंच गए हम लोग फाइनली रोटोरुआ, और सबसे पहला इम्प्रेशन भाई, उतर के हवा में ना सल्फर की स्मेल है, पंजेंट स्मेल है सुरभि, अलग सी स्मेल आ रही है भाई। ऐसी पता कहाँ आती थी, केमिस्ट्री की लैब्स में स्कूल में, हाँ वही सेम, बड़े ही वियर्ड है मेरे लिए एटलीस्ट, क्योंकि मैं बताऊँगा रोटोरुआ में एक्चुअली है क्या। यहाँ पर भी एक साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से सल्फर की ये स्मेल आ रही है। बट अभी हम लोग पहुंच गए हैं, ये है स्काईलाइन, ये क्वींसटाउन में भी है, रोटोरुआ में भी, क्वींसटाउन में भी, और भी ज़बरदस्त है ऐसा मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ये वाला मेरा फर्स्ट टाइम है। सनी डे है, मौसम बहुत ही सही हो रहा है भाई, पार्किंग एकदम सेट है यहाँ पे, ये पूरी पार्किंग है अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से दिख भी जाएगा गोंडोला चलते हुए, वो देख रहे हो आप, ये वाली जो है वो गोंडोला चल रही हैं। सबको ये तो बता दो हमारे दोस्त लोग कहाँ रह गए और हम कहाँ हैं। यार थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो गई या कंफ्यूजन हो गई, गलती हमारी है एक्चुअली, कि हम लोग सीधा आ गए स्काईलाइन रोटोरुआ, मैंने मैप लगाया और चल पड़े और हम यहाँ पहुँच गए, लेकिन एक्चुअली में हमारी जो पलटन है आधे रास्ते में कहीं भी है, पता नहीं हमारा फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कुछ और था और हमने डायरेक्ट यहीं का लगा दिया, लल्लू है ना, हम सीधा यहीं आ गए। चलो कोई बात नहीं, अब आ गए, यहाँ से आधे घंटे दूर है, चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम, कहीं पर भी किसी भी ट्रिप पे कहीं भी जाते हो आप तो आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, पता है क्या होता है, वॉशरूम भाई, पहले वॉशरूम ढूंढेंगे, पहले बाथरूम जाएंगे। ये वाली बर्ड्स बहुत दिखती हैं यहाँ पे, ये सीगल है, ये बर्ड्स यहाँ पे बहुत दिख जाएंगी, बस स्टॉप्स पे, मेट्रो स्टेशन पे लड़ती हैं आपस में, और ऐसी लगती है वाइट, ऐसे नहा कर आई हूँ। यहाँ पे भी बैठी हुई है, नीचे भी देखो, वो तो धूप सेक रही है ऊपर, तीनों बातें कर रहे हैं, चिड़चिड़ी टाइप की, चिड़चिड़ी होती है, एक दूसरे को डराती है, इनकी चोंच बड़ी खतरनाक है। आपके पास है कि कुछ खाने के लिए दे दो, हाँ कुछ खाने के लिए दे दो तो बिल्कुल एक दोस्ती कर लेगी, और चालू है ये। अब ये है स्काईलाइन रोटोरुआ जो मैं बता रहा था, क्वींसटाउन में भी है। ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, इनफैक्ट इसकी टिकट क्लूक पे भी होती है। तो ये इसका पूरा मैप है तामझाम, ये इसके रेट लगे हुए हैं। चलो भाई मेन काम तो हो गया। अब हम लोग यहाँ पे आए हैं लूग राइड करने के लिए और गोंडोला करने के लिए। तो लूग राइड ना बेसिकली क्या है, गो कार्टिंग की भाई बहन बोल सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं लूग राइड। ये आप देख रहे हो इस स्काई लाइन का लूग है, ये वाली कार्ट होती है, इस पर बैठते हैं। आगे करोगे तो आगे जाएगी, पीछे करोगे तो पीछे आती है, गो एंड स्टॉप। बट ये सीन सही है, ये वाली एक्टिविटी एक्चुअली में रिकमेंडेड है। काफ़ी जगह पे काफ़ी ब्लॉग्स में काफ़ी रिव्यूज़ में बोला गया है कि आप यहाँ पे आए हो लूग की राइड तो करके रखो। तुम्हें पता है यहाँ पे रोटोरुआ जो है ना, रोटोरुआ सिर्फ इन चीज़ों के लिए फेमस नहीं है, वो एक्चुअली फेमस है जियोथर्मल एक्टिविटीज़ के लिए। और इसलिए ना यहाँ पे सल्फर की स्मेल आ रही है यहाँ पे, बट एक्चुअली में 17% जो है बिजली न्यूजीलैंड की इन जियोथर्मल रिजर्वायर से निकलती है। और बाकी रोटोरुआ में 10 जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इसीलिए ना इसी कारण से यहाँ पे इतनी सल्फर की स्मेल आ रही है और अंदर ही घुस गई है। अजीब ही लग रही है मुझे तो, खैर तुम्हें कैसी लग रही है? और यहाँ पे एक्चुअली नहीं, अभी तो ठीक लग रहा है। एक्चुअली जब हम ज़्यादा क्लोज जाएंगे ना और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी स्मेल। और यहाँ पे ना एक पॉन्ड है जियोथर्मल का, वायो टापू है आई थिंक उसका नाम, जो ग्रीन कलर का है, नियॉन ग्रीन कलर का। तो वो बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बट आज तो हम नहीं कवर कर पाएंगे। और नेक्स्ट टाइम आएंगे रोटोरुआ अलग से प्लान करके, तब हम यहाँ पे वो कवर करेंगे। ये तो ग्रुप एक्टिविटी हो रही है ना हमारी, सारे टापो है वैसे इस बार का बेसिकली टापो है। थोड़ा सा हमारे बहुत ही बढ़िया एक गाइड एंड मिस्टर ग्लैडस्टन, उनको ग्लैडी भी बोलते हैं, उन्होंने ये प्लान करा कि यहाँ पे भी चलते हैं। गुड स्टाफ, अच्छा प्लान किया है, तो अभी बस उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेंगे नाराज भी होते हैं वो। मजाक कर रहा हूँ। हाँ, बाकी काफी लोग बोल रहे थे रोटोरुआ में ऐसे धुआं उड़ते हुए दिखता है पानी से। और मैंने भी काफी वीडियोस देखी हैं। चलो देख लेते हैं भाई कहाँ है ये धुआं, एक बार ढूंढ लेते हैं हम भी। हाँ, कहाँ चल रहे हैं ये गीजर्स। अभी हम लोगों ने प्लान करा है छोटा मोटा है, कुइराउ पार्क जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटीज होती हैं। और अभी हमारा जो ग्रुप है उसको आने में भी टाइम है, तो तब तक वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि भाई ये चीज क्या है। मिल गया, ये देखो कैसे स्टीम निकल रही है जमीन से, देखा मनीष तुमने? धुआं निकल रहा है, ये देखो। हाँ, ये देखो रोड से भी निकल रहा है भाई, जमीन से धुआं निकल रहा है। ये भी मस्त चीज है। अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं ना कुईराओ पार्क में, वहाँ पे भी ऐसा ही है, कहीं से भी। हाँ ये देखो भाई साहब, आ गए हैं काइरुआ या कुईराओ। आई डोंट नो, कुईराओ अजीब सा ही नाम है वैसे तो। चलो यहाँ से चलते हैं भाई, यहाँ धुआं उठ रहा है, फुल उन्होंने पार्क बनाया हुआ है बढ़िया वाला। वहाँ से धुआं उठ रहा है, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और पास जाके भी देख लेंगे। अब यहाँ पे आके तो स्मेल भी बहुत तेज़ हो गई है एक्चुअली सल्फर की, काफ़ी ज़्यादा नाक में घुस रही है। पर एक्चुअली पता है रोटोरुआ में जो लोग रहते होंगे ना भाई, उनको आदत होगी ये सारी स्मेल की। ये है भाई पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, मस्त। ये ना पानी देखो अब ग्रीन हो रहा है, ये डार्क ग्रीन है एक्चुअली। इंटरेस्टिंग है, अभी तक हम भी YouTube वीडियोस में देख रहे थे, सुना था काफी सारी जगह पे, लेकिन आज देख भी लिया है, बढ़िया है। चलो, और ये फ्लावर्स देखो यार, तो कह रही हूँ फ्लावर्स देखो ब्लूम कर रहे हैं और एकदम वाइब्रेंट कलर, कितने सुंदर लग रहे हैं यार ये। भाई जी इन्होंने लिखा हुआ है साफ डेंजर थर्मल एरिया, पूल टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, डू नॉट क्लाइंब ओवर वॉल, एंटर और बाथ इन पूल, बर्न्स एंड जियोथर्मल गैस कैन बी फेटल, डेंजर डेंजर डेंजर, बच के रहना हो रहा है बाबा। अब यहाँ पे ना गर्म पानी में पैर डाल के भी बैठ सकते हैं, सारा गर्म पानी है। ये रोटोरुआ की सैटरडे मार्केट लगी हुई है यहाँ पे, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम। ये एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट है जिस पे ये सब बनाया हुआ है। फिर भी लगी हुई है लाइन में टिकट लेने की। ले ली? नहीं, टिकट कितने की है एडल्ट की? गोंडोला और 5 लूग राइड्स की टिकट $84 की है एक एडल्ट की। अब बच्चों को भी तामझाम है, टैंडम के साथ $6 दे दो, वो सब तो चलो अलग चीज़ है। ये लाइन लगी हुई है भाई पूरी की पूरी, यहाँ पे टिकट्स मिल रही हैं। ये टिकट है, बेटर है ऑनलाइन करा लो, तो आप सीधा स्काईलाइन एक्सप्रेस से जा सकते हो, ये वाली जगह से स्ट्रेट ले आओगे, VIP एंट्री है। यहाँ पर टिकट मिल रही है, ये सारे लोग लगे हुए लाइन में, मैडम भी लगी हुई हैं टिकट ले रही हैं। चलते हैं देख लेते हैं भाई। गोंडोला तो हमें पता है, कश्मीर में भी किया हुआ है हमने, और ओली में भी हमने चेयर कार में तो गए हुए हैं हम लोग, चेयर लिफ्ट में गए हुए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ का भी देख लेते हैं परदेश। ये आ गई है गोंडोला, और ये साइकिलिंग का भी सीन है भाई यहाँ पे, तो कुछ बढ़िया बढ़िया साइकिल्स हैं, ट्रैक आई थिंक साइकिलिंग के लिए यहाँ पे। अब हम जाएंगे इसमें बैठ के। अभी लूग का कैसा ना, यहाँ पे हम लोग लूग करके चलाते हुए गाड़ी नीचे जाते हैं। अभी ये खाली जा रहा है, आपको दिख रहा है, और इसमें लोग बैठे हुए आ रहे हैं। तो नीचे जाते हैं, फिर वापस ऊपर इसमें बैठ के आते हैं, फिर वापस नीचे जाएंगे, फिर बैठ के इस पर ऊपर आएंगे। इसी को कहते हैं राइड्स। हमारी ये 5 राइड्स। तो बेसिकली 5 राइड्स यही है कि हम लोग नीचे जाएंगे फिर वहाँ से ऊपर आएंगे। दैट इज नोन एज 5 राइड्स। तो लेट्स सी कैसा रहता है। आई विल शो यू मोर। पहन लिए हेलमेट, कलर के हिसाब से हैं, साइज हेलमेट्स के। और सुरभि फिट आ रहा है हम सारी लड़कियों को। तो हाँ, देखिए सुरभि, पता है येलो वाला छोटा था लेकिन ये यही पहनने में लगी है, मेरा कलर जो है ना मैच नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कलर के बड़े चक्कर है लड़कियों के साथ। वेलकम टू रोटोवे। हम यहाँ पे आ गए हैं। आई थिंक यहाँ से हम लोग निकलेंगे। फर्स्ट राइड टुडे। ये बिगनर लेवल है, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वक्त आ गया है चलाने का। लूप्स आ गए हैं, अब इसमें बैठेंगे। 8 लोग हैं हम टोटल। अब ये बैठ गए हैं। अब इसका आगे शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं चलाऊँगा कैसे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम बीच में रुक गए हैं जबरदस्ती। फील बुरी है भाई। चले, राइड पूरी हो गई है, वहाँ पे छोड़ना पड़ता है। ये कार्ट आगे आ जाएगी अपनी। ये भाई इसने स्टाइल से बनाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक फंस जाता है इस पर। ये जो बी बना हुआ है ना, अब वो चेयर आएगी यहाँ से और ये इसमें फंस जाएगी। ऑटोमेटिक है सब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देखो अभी चले जाएगी ऊपर। अब हम लोग बैठ गए हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब हम अपनी सेकंड राइड करेंगे। पहली राइड हमारी हो गई है पूरी। सारे लोग ऊपर जा रहे हैं। ये खाली वापस आ रही है। ये ट्रैक है लूज का। अब लूज बोलते हैं, लूग बोलते हैं, पता नहीं है, लेकिन जो भी है LUGE, लूग ही बोल लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स हैं। हाँ। और सीरियसली ये मस्ट डू है, मस्ट डू है। पूरी इतनी अमेजिंग वादियों के बीच में, बहुत अच्छा बनाया है और इजी भी है। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सारा एक ग्रेविटेशनल पुल से हो रहा है। वो मैकेनिकल सी उन्होंने कार्ट बनाई हुई है। आगे पुश करोगे आगे जाओगे, पीछे पुश करोगे रुक जाएगी। सारा ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, वापस ऊपर जा रहे हैं। यही है, पर है फन, अच्छा बनाया उन्होंने ट्रैक। और एक और प्लस पॉइंट है कि आप लोगों ने बच्चों को लेके भी आ सकते हो। हाँ, बच्चे को साथ में बैठा के, लैप में बैठा के उसके साथ राइड कर सकते हो। चलो ऊपर चलते हैं, हम नेक्स्ट राइड के लिए तैयार होते हैं। भूख लग रही थी भाई, खाना आ गया फाइनली हमारा। और ये है सामने व्यू कुछ ऐसा। तो ये घूमना फिरना हो गया अपना। यहाँ पे मेरा तो थोड़ा गला भी बैठ गया है। अच्छी राइड्स थी, काफ़ी मज़ा आया। वीडियोस में आप लोग देखोगे अभी तो मज़ा और आएगा। अभी निकल रहे हैं हम लोग रोटोरुआ से और हम जा रहे हैं टॉपो। हमारा एयरबीएनबी बुक है, वहीं जाके दिखाऊंगा। आई थिंक मुझे ये वीडियो एंड कर देनी चाहिए क्योंकि वीडियो जो है वो बन जाएगी ज़्यादा बड़ी। तो मिलेंगे कल। अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। जल्दी मिलते हैं।